भगवान सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाई देवी की, और जिन्होंने पहली बार जगत को कथा सुनाई सूत जी के गुरुदेव व्यास जी, आज वो स्वयं कथा सुना रहे हैं जन्म जय राजा को, परीक्षित के पुत्र को, पांडवों के पर पोते को। और ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि जो पर पोता है वो उऋण हो जाए पितरों के ऋण से, पितरों के ऋण से उऋण होने का ये मार्ग सही है। उनके नाम का कोई अनाथालय बनवा दो, वृद्धाश्रम बनवा दो, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनवा दो, उनके नाम से ऐसी कथा कर लो, उनके नाम से गौशाला बनवा लो, उनके नाम से लोगों का हित कर दो। उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, पर उनके नाम से जब हम जिंदे पुत्र पुत्रियां आदि आदि परिवारी जन अगर हम उनके नाम को बढ़ाते हैं धर्म में, तो हमारा धर्म बढ़ता है, और जिनका धर्म बढ़ता है उनका ही जीवन सधता है, स्टेबल होता है। नहीं तो कितने आए और कितने गए, कोई नाम जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है, कोई क्या घर वाले ही नहीं पहचानते 11 महीने के बाद है। 11 महीने में, 11 महीने में श्राद्ध आता है, वर्ष श्राद्ध, उसको कोई कोई करते हैं, अब ज्यादा लोग नहीं करते, अब दूर दूर रहते हैं लोग, कौन समझाएगा उनको, एक एक दो दो आदमी घर में है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, टाइम है नहीं, कौन वर्ष श्राद्ध करे। वर्ष श्राद्ध करने का अर्थ है कि कम से कम मरने वाले को, जिसका कुछ तुमने खाया पिया है, उसको 1 साल तो याद रखो। श्राद्ध का अर्थ मैंने कल भी बताया, आज भी, श्राद्ध का अर्थ है सत्य के साथ धारण करके रखो श्राद्ध। वर्ष श्राद्ध होके भूल जाए चलेगा, काम बहुत है, और भूल जाने में ही फायदा है, नहीं तो दिमाग खराब रहता है। याद करो आंसू आते हैं, याद करो डिस्टर्ब होते हैं, याद करो रोना आता है, तो भूल जाने में ही फायदा है जीवन को नया जीने के लिए, क्योंकि ये रूल है, ये कानून है प्रभु का, जो आया है उसे जाना है। राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर, और कोई डोली चढ़ चले, कोई बंधत जात जंजीर। सब एक तरह से नहीं जाते प्रभु के यहां, किसी को विमान आता लेने, और कोई कांटी पर सुतलियों से कस के शमशान तक ले जाया जाता है, बांध के इधर उधर ना सटक जाए, कस के बांधते मरे हुए आदमी को, जिंदे को थोड़ा बांध दो हाथ में रुका रहेगा, और मरा हुआ थोड़ा बांध के ना रुकता है। आप कहेंगे महाराज कह तो सही रहे हो, पर ये कभी सोचा नहीं आप जो बता रहे हो, खाली यहां बनते देखा है, नीचे से ऊपर तक लपेट लपेट कर पूरी सूतली 3 किलो खत्म कर देते लोग, और जिंदा आदमी, कोई कोई बच्चे, कोई कोई पागल हो जाते हैं जिंदे, तो उनको खटिया में एक कोणा कड़ा पहना देते हैं, खटिया की पाटी से बांध देते हैं, काम खत्म। पर मरे आदमी को ऐसा नहीं कर सकते, उसे ज्यादा बांधना पड़ रहा है। एक पक्ष बताया मैंने, और दूसरा पक्ष वही है जो थोड़ी देर पहले बताया, ना इधर जा ना उधर जा, अगर चाहे शांति तो मरने से पहले मर जा। जिंदे आदमी को तैरना आए नहीं और समुद्र में कूद पड़े तो क्या होगा, डूब जाएगा, और मरे आदमी को तैरना नहीं आता, देख लो, मरे आदमी को तैरना नहीं आता और वो नहीं डूब रहा। तो इसीलिए जो लोग जिंदे हैं उनके लिए कथा है। मरने से पहले मर्जा का अर्थ होता है जो आदमी अपने अहंकार, अहम, नादानी को मार लेता है, वो भव सागर में फिर कभी डूबता नहीं है।
और जो खुद को जिंदा मानता है वो डूबता है, क्योंकि एक्सीडेंट अनाड़ी के नहीं होते, ये ध्यान रखना। आज तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं ना, वो छोटे मोटे पायलट के नहीं हुए। 30 साल का अनुभव, 20 साल का अनुभव, इतना अनुभव और क्रैश हो गया प्लेन। इतने 20 साल से कार चला रहे और गाड़ी ठुक गई, मर गए, तो आप समझ गए होंगे महात्मा क्या समझाना चाहते हैं। जो तैरता है वही डूबता है, क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा क्या बिगाड़ लेगा समुद्र? अरे पगले, समुद्र तेरा नहीं बिगाड़ेगा, पर तेरी शक्ति तो उतनी नहीं है ना। तेरे शरीर में सामर्थ्य है पर एक सीमा है, 500 फुट, 400 मीटर, 800 मीटर। समुद्र का, समुद्र में कैसे तैरेगा? 800 मीटर का है, ठीक है, पार कर ले पोखरा को। कौन कह रहा है कि तैरने वाला नहीं पार होगा? पर उसकी मर्यादा सीमाएं, आपके पास योग्यता 800 मीटर की और आप समुद्र पार करने की सोच रहे, तो आगे चल के थक जाएंगे और डूब। यही हो रहा है, हमारी जो शक्ति है वो 40-50 साल के शरीर में है और हम सुसरा हजारों साल के सपने देखते, हजारों साल के। बहू के बच्चा हो गया, दादी सपना देख रही है, लुलुलु। बच्चा भी सोच लेता है दादी को घंटा हो गया लुलु करते, थोड़ा हंस लो, थोड़ा काफी देर में सुनता है दादी की, जल्दी नहीं हंसता वो। दादी बहुत बुरी हो जाती है, तोतली पड़ जाती है, गुनगुनाती है, लाचार हो जाती है, पोते के आगे बेटे हंसो हंसो हंसो। तो प्रोग्राम दादी अलग अलग फंक्शन करती है हंसाने के लिए, पर वो सुनता ही नहीं। फिर वो सोचता है कि दादी थक गई, एक बार जरा मुंह को ऐसे हिला दो जिससे बिचारी खुश हो जाए। तो आखिरी आखिरी पोता थोड़ा होठों को मटका देता है, दादी धन्य हो जाती, इतने में खुश हो जाती। फिर दादी अंदर ही अंदर सपने सजाती है, ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ये बनाएंगे अपन, क्यों गुड्डू? क्या बनाएंगे अपने बेटे को अपन? है ललिता, क्या बनाएगी बोलो? बहू बेटे बैठ गए, माँ बैठ गई और चर्चा चल रही है संसद में, इसको क्या बनाना है। तो बहू ने कहा मैं तो डॉक्टर बनाऊंगी। पत्नी ने डॉक्टर चुना, पति ने कहा ना, डॉक्टर के यहां सब बीमार लोग आते हैं, कोई हंसने हंसाने वाला नहीं आता, तो इसको आर्किटेक्चर बनाएंगे, हमेशा पैसे वालों के घर ही जाएगा, ये किसी का थोपड़ा गंदा नहीं देखेगा। घर बनाने वालों में खुशी रहती है ना, थोड़ी सी उत्सव सा रहता है, भाई हमारा घर अब बनने वाला है, परसों से काम चालू होगा। और आप जानते ही हैं 50-60-70 लाख रुपए जमा रहता है बैंक में, तो आदमी कुदकता सा घूमता है। तो पति ने कहा आर्किटेक्ट बनाएंगे इसको। अब जिन्होंने पैदा किया है उनके सपने दादी ने सुन लिए, तो मम्मी मौन, माँ चुप है। बेटा ने कहा मम्मी तुम भी बताओ अपना, तुम क्या चाहती है पोते के बारे में? तो दादी ने कहा बेटे डॉक्टर भी बना लो, आप आर्किटेक्ट बना लो। दोनों पति पत्नी ने मिलके बनाया बालक को, तो दोनों मिलके अपना अपना इच्छा पूरी कर लो, मेरा क्या है, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई, मेरा काम हो गया, तुम्हारी इच्छा पूरी होना, मैं तो तुम्हारे सपनों के लिए ही जिंदा हूं, मेरे सपने तो खत्म हो गए, दाढ़ उखड़ गई, अब नहीं काटी जाती गजरिया, बड़ी समस्या हो गई आंखों में, तो मेरे सपने अब तुम्हारे सपने में, मैं तो तुम्हारे लिए जी रही हूं, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। वहां एक मेहमान आए थे, बाबा साधु टाइप थे, वो भी सुन रहे थे सत्संग परिवार का। तो वो इंद्रदेव महाराज जो आके बैठे थे साइड में, उन्होंने सबका सुना प्रवचन, तो महात्मा तो महात्मा, उन्होंने मम्मी जी को कहा ललिता ए गुड्डू तुम इंजीनियर बनाओ, तुम डॉक्टर बनाओ, पर थोड़ा थोड़ा इसको इंसान भी बनाना,
अगर ये थोड़ा इंसान नहीं बना तो ये डॉक्टर बन के कुछ नहीं कर पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इसीलिए अपने बच्चे का सपना देखने वालों को आज मैं कहना चाहता हूं, दुर्गा माँ के बारे में गाते हैं कि बांझ को पुत्र देती है दुर्गा माता, तो पुत्र देती है, पुत्र डॉक्टर ना देती है किसी को। और पुत्र इसलिए देती है कि पितरों का कल्याण कर दे वो। पुत्र, पुत्र माने पितर, जो पितर को नहीं समझे वो पुत्र नहीं है, वो क्या है, संतान। और संतान ज्यादा परसेंटेज में शैतान होती है, वो पुत्र होती नहीं है। पुत्र पैदा करने के लिए आदमी को बहुत बड़ा पिता बनना पड़ता है, बहुत बड़ी मां बनना पड़ता है। औरत के पेट से ना पैदा होगा पुत्र, ये ध्यान रखना। किसी जेंट्स के गर्भ से पुत्र पैदा नहीं होगा। पुत्र पैदा होने के लिए पहले मां और पिता को पितर बनना है, पहले आपको क्वालिटी मटेरियल तैयार करना है। आप बताइए ना, आपने मशीन में अगर तांबा डाला है तो उसमें से खिलौना सोने का निकलेगा कि तांबे का है? आज की अजमान से पूछना है, तांबे का ही निकलेगा, जो लिक्विड डाला वो ही निकलेगा ना। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। महात्मा क्या समझा रहे हैं कथा में, वही समझा रहे हैं। जो आप डालते हो, जो आप मशीन में जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसके लिए पहले लिक्विड फॉर्म चयन करो, चुनो कि हमें कौन सा लिक्विड डालना है, हमें खिलौना कौन सा चाहिए, वही होगा। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो भाग्य से होता ना। भाग्य को भी हम ही बनाते हैं, कोई और बनाता, कोई और नहीं बनाता है। भाग्य कौन बनाते, भगवान नहीं बनाते हम। कमाता कौन है हम, खर्च कौन करता है हम, और हिसाब कौन रखता है, कोई और। आप नहीं रख सकते हिसाब। मैंने परसों कहा था ना आपको, तो पिछले संडे का ही नहीं पता आप क्या बोल गए थे पिछले संडे में, अब भूल गए। वो तो भला है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है आदमी, नहीं तो उसने बात क्या क्या की है वो ही नहीं पता रहता उसका।